नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्जोत है और आप देख रहे हैं फॉर लव गैजेट। इस वीडियो में हम करेंगे Vivo Z1 X की अनबॉक्सिंग और तो और एक डिटेल रिव्यू, जिसमें हम कवर करेंगे बिल्ड क्वालिटी, अर्गोनॉमिक्स, परफॉर्मेंस, साउंड, कैमरा, बैटरी एटसेट्रा, और कंक्लूड करेंगे कि क्या ये थम्स अप है या थम्स डाउन। इट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, ये एक डिटेल वीडियो होगी, तो गियर अप। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, कमेंट कीजिएगा कोई क्वेरी हो, हम कोशिश करेंगे कि सभी एस्पेक्ट्स को टच बेस करें, लेकिन अगर कुछ छूटता है तो हमें बताइएगा, हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो शेयर कीजिए, कोई फीडबैक होगा तो जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कुछ इसी तरह की पैकेजिंग में आपको रिटेल यूनिट सेंड किया जाता है। अनबॉक्सिंग आगे बढ़ाने से पहले एक बारी मैं फ्लैश ऑन करना चाहूंगा और आप देखेंगे कि बॉक्स का कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो गए। मानना पड़ेगा कि फ्लैशीनेस में वीवो का कोई मुकाबला नहीं। आप इधर भी देखेंगे पबजी क्लब का लोगो है और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। आपको हर वक्त एक प्रीमियम फील आएगी जब इस बॉक्स को आप होल्ड करेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मुकाबला नहीं, वो है ये मेड इन इंडिया का लोगो। दिल खुश हो जाता है दोस्तों, इतना बढ़िया लगता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। आई होप और भी कंपनीज इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें ताकि हमारे युवकों को और रोज़गार मिले और भारत तरक्की करे। खैर, जज्बात से बाहर आते हुए फटाफट एक बारी नज़र डालते हैं कि बॉक्स पे क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, 712 का प्रोसेसर मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। आपको बैटरी मिलती है 4500 mAh की। जी हाँ दोस्तों, 4500 mAh। साथ ही में आपको इन द बॉक्स दिया जाता है 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर, ये लोग फ्लैश चार्जर बोलते हैं। आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है, रियर में आपको 3 कैमरास दिए जाते हैं, साथ ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। अगर आप स्टिकर पे नज़र डालेंगे, राइट में आपको कलर और स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं कि कौन सा GB, कितनी रैम और रोम है इसके अंदर। ये हमारा 6 GB प्लस 128 GB वाला मॉडल है। कलर है फैंटम पर्पल, इधर आपको सार वैल्यू मिल जाएगी, बॉक्स कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस भी। यहाँ पे आपको 20,990 का दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में फ्लिपकार्ट पे 18,990 पे अवेलेबल है। और बॉक्स ओपन करते ही आपको सबसे पहले ये पैक मिलेगा। आपको मिलेगा एक कवर जो कि अच्छी क्वालिटी का है, हालांकि ये थोड़े टाइम में पीला पड़ जाता है। एक बुकलेट जिसमें आपको फिर से स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स मिलेंगी, क्योंकि Z1 X में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है तो आपको टाइप सी केबल दी गई है, हम इसे इधर रखेंगे। IMEI स्टिकर्स, ये रहा हमारा फोन। और फर्स्ट इंप्रेशन इज कि ये थोड़ा सा हैवी है दोस्तों। फटाफट से फोन निकालते हैं। सो आप देख सकते हैं कि लाइट पड़ने पे कैसे कलर चेंज होगा और कैसे स्ट्रीक्स बनेंगी। एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न आपको पूरे पैनल में मिलेगा, राइट? आपके रियर कैमरास, अच्छी बात कि टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, विच इज वेरी गुड। हम फोन भी इधर रखते हैं। ये है हमारा फ्लैश चार्जर या फिर फास्ट चार्जर, जो कि मैक्सिमम 10 वोल्ट 2.25 एम्पियर पे चार्ज करेगा, जो कि 22.5 वोल्ट बनता है। हम चार्जर भी इधर रख देते हैं। आपको ये फोन दिए जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है, सिम टूल जो कि यहां पे है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जहां तक बिल्ड क्वालिटी का सवाल है, ये आता है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ, लेकिन जब आप इस पे नजर डालेंगे या फिर इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपको एहसास नहीं होगा कि ये एक प्लास्टिक बैक वाला फोन है। आपको एकदम प्रीमियम फील मिलेगी, प्रीमियम लुक मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, किसी एंगल से एक बारी कोई एहसास नहीं होगा कि ये प्लास्टिक बैक है। आइए एक बारी ओवरऑल फोन की बॉडी, बेजल, स्पीकर, इन चीजों पर नजर डालते हैं। सबसे टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन पोर्ट मिलता है, राइट में आपको पावर ऑन एंड ऑफ वॉल्यूम रॉकर दिया जाता है, लेफ्ट साइड पे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन और सिम ट्रे दी जाती है। ये सिम ट्रे डुअल सिम ट्रे है, आप मेमोरी एक्सपैंड नहीं कर सकते, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन 128 GB आज की डेट में काफ़ी अच्छी एक स्टोरेज स्पेस है, जो कि आपको अधिकतर प्रीमियम डिवाइस सेगमेंट में मिलती है। सो आई थिंक इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ, एक एडेड एडवांटेज होती और ये वीवो की स्ट्रेंथ थी, पता नहीं उन्होंने क्यों इस बारी इसे नहीं दिया। अगर हम बॉटम में देखें, आपको 3.5 mm जैक,
नॉइस कैंसिलेशन पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दी जाती है। बैक पैनल की बात करें तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, सोनी IMX582 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया जाता है। साथ ही में आपको मार्किंग मिलती है 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा की और वीवो की ब्रांडिंग। जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग में बताया कि फ़ोन उठाने में थोड़ा सा हैवी महसूस होता है, देर इज़ अ हेफ्ट टू इट। आइए इसका वेट चेक करते हैं और बढ़ते हैं अर्गोनॉमिक्स की तरफ, जो कि रहेगा इन हैंड फील। ये एक बड़ा फ़ोन है, स्क्रीन साइज है 6.38 और ये वन हैंड ऑपरेशन के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी का सवाल है फ्रेंड्स, हमें कोई बटन वॉबल नहीं मिला। ओवरऑल आप इसे पिक करेंगे या हाथ में रखेंगे या महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपने वाकई में कोई चीज़ पकड़ी है। इट्स वेरी वेल बिल्ड। ओवरऑल हमें वैसे भी बॉडी में हमने देखा जैसे सिम ट्रे वगैरह निकाली तो अच्छा लगा। एज इन बिल्ड क्वालिटी हमारी तरफ से हम इसे फुल में से फुल मार्क्स देंगे। येस, इट इज़ सब्जेक्टिव टू टेस्ट कि ये ग्लास बिल्ड है या नहीं है। वेल, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड भी बुरी नहीं है, नहीं तो माधव सेठ इतनी ऊंची से चलान नहीं लगाते होते। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको दिया जाता है फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। स्क्रीन साइज है 6.38 इंचेस। ये आता है 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ और 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। पिक्सल डेंसिटी आपको 404 की दी जाती है और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है 430 निट्स, जो कि काफी बढ़िया है। जहां तक स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात है, यहां पे दो चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों। पहली चीज, आपको एक प्री अप्लाइड टेम्पर्ड शीट मिलती है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है और सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये करना चाहिए, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि मार्केट में इतनी जल्दी टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलते और सही ग्लास कौन सा है ये भी ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ आपको मिलता है शॉर्ट सेंसेशन 3D ग्लास, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से बेहतर है लेकिन 6 के मुकाबले का नहीं। हाउएवर इट्स अ गुड चॉइस और स्क्रीन प्रोटेक्शन में भी ये बढ़िया है। वीवो Z1X आता है स्नैपड्रैगन 712 के साथ, जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड इन है। इसको सपोर्ट करता है एड्रीनो 616। यहाँ दोस्तों आइए एक नजर डालते हैं कुछ क्लिप्स पे, जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमने इसे लगभग 15 मिनट के लिए ट्राई किया, देखा उसमें हीटिंग कितनी होती है और तो और हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसी है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। फ्रंट पर आपको 31.2 का मैक्सिमम टेम्परेचर दिखेगा। ये हमने ऑल ओवर द फोन ट्राई किया, जो मैक्सिमम रीडिंग थी वो 31.2 ही मिली। इनकेस कुछ डिफरेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर हम बैक पैनल की बात करें तो देखते हैं बैक पैनल पर कितना टेम्परेचर जाता है। 30.7, 30.8, सो रफली अगर हम कहें तो समवेयर अराउंड 31 फ्रंट और बैक दोनों। आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट बैटरी है 20% पे और टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। ये रिकॉर्डिंग नॉनस्टॉप रहेगी, जिसमें हम एंड टू टू बेंचमार्क रन करेंगे, चेक करेंगे टेम्परेचर, तुरंत हम 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे रियर कैमरा से फ्लैश ऑन के साथ 15 मिनट बाद, फिर करेंगे टेम्परेचर चेक और लास्ट में खेलेंगे पबजी 10 से 15 मिनट के लिए और फिर से करेंगे टेम्परेचर चेक और देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, डिवाइस लैग करता है और टेम्परेचर कितना जाता है। तो दोस्तों Vivo Z1X का एंड टू टू स्कोर आता है 185,268। ये बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर है और डिवाइस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर मैं टेम्परेचर चेक करूं इस वक्त तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने फ्रंट पैनल पे जो देखा वो है 34.7 डिग्री सेल्सियस, 31.2, 33.9। बट हाँ, अगर आप टॉप सेक्शन की बात करें जहाँ पे फ्रंट कैमरा है, वहाँ पे ये 34.7 तक गया। आइए चलते हैं बैक पैनल की तरफ और चेक करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। अभी भी 34.2 हमने नोट किया, माफ़ कीजिएगा अगर वो पॉइंट के बाद कुछ एरर आ गया हो मुझसे, बट मुझे लगा वो 34.2 ही था। सो ओवरऑल दे सकते हैं अभी 32, 33.1। सो अगर हम इस एक्सरसाइज को सम अप करें, आपको फ्रंट और बैक में टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जो कि कंटिन्यूशन में है। ये है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि हमने Vivo Z1X से करी फ्लैश ऑन करके।
दोस्तों हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे टेम्परेचर चेक। आप देख सकते हैं कि 38.6 की रीडिंग। हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे ताकि हमें एक रीडिंग मिल पाए, रादर देन फटाफट से चेक करें और बैक पैनल की तरफ भागें। आप देख सकते हैं कि फिलहाल 39.67, 40.2। ओके, सो आपने देखा कि टॉप राइट सेक्शन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, बॉटम में 35.3, इनफैक्ट जो लास्ट रीडिंग मैं नोट कर पाया वो थी। अब हम फ्लैश ऑफ करते हैं और चलते हैं बैक पैनल की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई गया है। 48.1, ओके, 37.32, 37.1, 36। तो आप देख सकते हैं कि बैक पैनल और फ्रंट पैनल में टेम्परेचर आई थिंक मैक्स टू मैक्स वेरी कर रहा है 40 डिग्री से लेके लगभग 41 के आसपास। कंसिडरिंग फ्लैश ऑन थी, मैं इसे बहुत ज़्यादा यू नो ओवर हॉट नहीं कहूँगा। येस, इट इज़ ऑन दी हॉटर साइड, बट ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है। दोस्तों हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, तो अगर आपका दिल एक बारी को गवाही दे कि हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वाकई बहुत एफर्ट्स डाले गए हैं, तो प्लीज़ हिचकिचाएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन फॉर ऑल क्लिक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमने पबजी गेम को स्टार्ट कर लिया है, बैटरी फ़िलहाल 9% पे है, तो सो फार हमने 11% का ड्रॉप देखा। लगभग हम 25 मिनट स्पेंड कर चुके हैं क्योंकि 15 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग और एंड टू लगभग 10 मिनट। वॉल्यूम हमने फुल पे रखी है पबजी खेलते वक्त। आइए एक बारी हम सीपीयू जी को ओपन करके बैटरी का टेम्परेचर भी चेक करेंगे कि वो कितना है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल बैटरी का टेम्परेचर 38 डिग्रीज पे है, जब हमने स्टार्ट किया था तो 31 पर था या 32 के लगभग। सो परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत अच्छी है। पबजी खेलते हैं, एक बारी मैं ग्राफिक्स की सेटिंग आपको दिखा दूं। सो फार हमने कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं देखा, गेम बहुत स्मूथली चली, इनफैक्ट दी टच रिस्पॉन्स वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर आप पबजी खेलते हैं आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है, और इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी एमोलेड डिस्प्ले के साथ। हमारा पबजी का राउंड कंप्लीट, हमने इसे लगभग 11 मिनट प्लस खेला। अब चेक करते हैं टेम्परेचर फ्रंट पैनल पे, आपको मैक्सिमम दिखेगा 36.7, देखते हैं और कितना ज़्यादा है, 37.2। या दोस्तों 37.2 मैक्सिमम रीडिंग अभी तक हमने नोट करी, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसे हम 37 ही कहेंगे, नहीं तो आप इसे 38 भी मानना चाहे तो मान सकते हैं। चलते हैं रियर पैनल की तरफ, 36.1, 36.6, मुझे ऐसा लग रहा मैं बोली लगा रहा हूँ। सो लगभग 36.6 हमने देखा रियर में जो सबसे ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि फ्रंट में आपको लगभग 38 और रियर में 37 डिग्री का टेम्परेचर मिला। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी, थर्मल मैनेजमेंट एक्सीलेंट है, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। सो थम्स अप टू वीवो फॉर दिस। जहाँ तक मेमोरी मैनेजमेंट का सवाल है, आपको मिलती है 6 GB रैम, स्टोरेज मिलती है 128 GB की, जिसमें फ्री स्पेस रहेगी 114 GB। आप देख सकते हैं रैम है 6 GB, स्पेस आपको यहाँ थोड़ी कम दिखी क्योंकि हमने कुछ ऐप्स लोड कर ली। चलिए शुरू करते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट, हमने ऑलरेडी कुछ ऐप्स ओपन करी हैं। सबसे पहली ऐप रियल रेसिंग 3, बहुत ही बढ़िया गेम है दोस्तों। अगली ऐप हमारी रहेगी PUBG, दोनों ऐप्स अभी तक रीलोड नहीं हुई। डेव चेक, नो रीलोड। इसके बाद आप देख सकते हैं DRM इन्फो, एन टू टू बेंच मार्क स्कोर। सो फिलहाल रैम मैनेजमेंट एक्सीलेंट रही है, आप देख सकते हैं कोई भी ऐप रीलोड नहीं हो रही। CPU Z, कैमरा टू API, एंड्रो बेंच, स्काई फोर्स,
ये भी बेहतरीन गेम है दोस्तों, कभी ट्राई कीजिएगा। प्ले स्टोर, अमेज़न, पेटीएम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट। एक्सेलेंट रैम मैनेजमेंट फ्रेंड्स, कोई ऐप प्रीलोड नहीं हुई। आगे चलते हैं और फीचर्स की तरफ जो कि इस डिवाइस में आपको मिलते हैं। आपको Vivo Z1X में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। अगर हम सेंसर्स की बात करें तो वो भी सभी हैं। रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी दी गई है। इस डिवाइस में आपको LED नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको उसकी जगह मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0। इस डिवाइस का हैप्टिक फीडबैक बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मोटर की वाइब्रेशन की जो फील है वो एक्सेलेंट है। अब हम बात करेंगे इसकी स्पीकर क्वालिटी और आउटपुट वाया 3.5 mm जैक। जहाँ तक इसके स्पीकर्स की बात है, बहुत ही क्लियर है, काफ़ी लाउड है और देर इज़ अ बेस टू इट एज वेल। मैं आपको दो रिंगटोन्स ऐसी प्ले करके सुनाऊंगा जिसमें आपको ये थोड़ा सा महसूस हो सकेगा जब आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आप सुन सकते हैं, ये मैं माइक के पास लेके आ रहा हूँ और फुल वॉल्यूम पे भी डिस्टॉर्शन नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। अब मैं एक और रिंगटोन प्ले करूंगा जो कि है सनराइज व्यू पियानो। इसमें आपको क्लैरिटी का एहसास होगा, देखिए सनराइज व्यू पियानो, ये भी फुल पे है और कोई डिस्टॉर्शन नहीं। अगर हम 3.5 mm जैक की बात करें तो क्वालिटी अच्छी थी, कुछ एक्सेप्शनल की उम्मीद मत रखिएगा, बट हाँ अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप निराश नहीं होंगे, ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर बैटरी की बात करें, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर फोन को अच्छा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि ये एक कंज्यूमर की डिमांड है आज की डेट में। यहाँ पे वीवो ने एक नहीं दो बॉक्स टिक किए और बाखूबी किए हैं। पहली चीज़ आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, Vivo Z1X में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जर के साथ है, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिया जाता है। ये चार्जर है 22.5 वोल्ट का और बैटरी को बहुत जल्द चार्ज कर देता है। कंसिडरिंग आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, आई थिंक आपको दिन में टॉप अप करने की नौबत नहीं आएगी। अनलेस यू आर अ वेरी वेरी हैवी यूजर, आई थिंक आप इजीली 4500 mAh के साथ पूरा डे सेल थ्रू कर जाएंगे। इसमें दूसरा टिक इन द बॉक्स उन्होंने किया है, वो है कि आपको इसमें रिवर्स चार्जिंग दी जाती है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से केबल परचेज करनी पड़ेगी, वो केबल वीवो बॉक्स में नहीं प्रोवाइड करता। बट ये एक और बढ़िया चीज़ है कि आप इससे और डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, वो भी इस प्राइस रेंज में। वंस अगेन गुड जॉब वीवो। इस 4500 mAh की मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए वीवो ने आउट ऑफ द बॉक्स दिया है 22.5 वोल्ट का चार्जर। चेक करते हैं टेम्परेचर, 32.7 जो मैक्सिमम था, तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं कि लगभग 33 डिग्री के आसपास है। चेक करते हैं रियर में टेम्परेचर क्या है, 32.5, 32.7, 8 भी था, तो इट्स 33 फ्रंट एंड बैक अगर हम इसे राउंड ऑफ करें। आप देखेंगे कि करंट बैटरी का लेवल 3% है और टाइम भी नोट कर सकते हैं, साथ ही में आप टेम्परेचर देखें तो 34 डिग्री है। हमने अभी चार्जर प्लग इन कर दिया है और आप देखेंगे टॉप राइट में आइकॉन आ गया है कि चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो दोस्तों, फोन 50% चार्ज हो चुका है। आइए चेक करते हैं टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले आप नजर डालिए, अभी रीडिंग आ रही है 36.2, 32, 36.7, 37.2। तो हम इसे कह सकते हैं कि लगभग 38 डिग्री के आसपास है। बैटरी का टेम्परेचर 39 डिग्री दिखा रहा है और इसे चार्ज करने में हमें लगभग 37 मिनट ही लगे, 37.3। सो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं कि फ्रंट में 38 डिग्री का टेम्परेचर अभी तक रजिस्टर किया गया। अगर हम बैक पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं 35.5, 36 डिग्री, 37, 37.4। तो हम कह सकते हैं कि फ्रंट और बैक पैनल दोनों में ही आपको लगभग 38 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। थर्मल मैनेजमेंट वंस अगेन इज रियली गुड।
चार्जिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और इसी के साथ हमारा डिवाइस फुली चार्ज्ड है दोस्तों। टोटल टाइम लगा 1 घंटा 50 मिनट, जबकि इनिशियल 50% बहुत जल्दी चार्ज होते हैं। इस वक्त इसने बहुत टाइम लिया बाकी के 50% चार्ज करने में, और फिलहाल टेम्परेचर भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, 32.4। मैं एक काम करता हूँ, केबल को हटाता हूँ और फिर एक बारी अच्छे से टेम्परेचर चेक करेंगे। इनफैक्ट हम ब्रिक का भी टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना जाता है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो 32.2 था। इनफैक्ट आपने टाइम देखा, हमने जब स्टार्ट किया और अब, तो 1 घंटा 50 मिनट बनते हैं। बैटरी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है, बहुत हाई नहीं है। सो अभी दिखा रहा है 32.1 बॉटम में, 31.9, 32, और रियर में जाए तो 31.7, 8, 9, 32.1। सो ऑल इन ऑल आप 33 के आसपास बोल सकते हैं। चेक करते हैं ब्रिक का टेम्परेचर जो कि 37.4 है, 38.78, लगभग 39 डिग्री। थर्मल मैनेजमेंट वाइल चार्जिंग इज एक्सीलेंट, आपको क्विक चार्जिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। ये वो चार्जर जितना नहीं फास्ट बट डिसेंटली फास्ट है। मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात ना जाना कि आज की डेट में रियर कैमरास के अच्छे होने के साथ साथ आपका सेल्फी कैमरा बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं Vivo Z1 X के कैमरास की। Vivo Z1 X में आपको रियर में 3 कैमरास दिए जाते हैं, सोनी IMX582 जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर है f1.79 के साथ। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो कि है f2.2 के साथ, और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो कि f2.4 के साथ आता है। आपको मेन सेंसर PDAF साथ मिलता है जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको दिया जाता है 32 मेगापिक्सल का f2.0 का कैमरा। चलिए अब हम कैमरा रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, और शायद मैंने पहले भी बोला हो, ये इस वीडियो का सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है क्योंकि हम इसका इंटरफेस देखेंगे, हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो, हर तरीके की पिक्चर क्लिक करेंगे ताकि आपको एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव मिले कि कैमरा के लिहाज से आपको ये फ़ोन खरीदना है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग 720p में की जा रही है, आपको स्मूथनेस का अंदाज़ा होगा, कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है। डायनेमिक रेंज चेक कर लेते हैं एक बारी। और एक बारी ऑटो फोकस भी चेक करते हैं। ये रिकॉर्डिंग 1080p में की जा रही है, चेक करते हैं डायनेमिक रेंज। ये वीडियो 4K में रिकॉर्ड की जा रही है। आपको मेन फर्क मिलेगा स्मूथनेस का। एक जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, जब हम डायनेमिक रेंज चेक करते हैं तो पहली बार में फोकस नहीं हो रहा। अगर आप टावर को देखें तो लाइट्स फोकस नहीं है, लेकिन अब जैसे मैंने कैमरा नीचे पैन किया, मैं वापस पैन करता हूं, अब देखिए फोकस में तब्दीली। तो ये है दोस्तों वाइड एंगल मोड। अच्छी बात यह है कि आप दोनों मोड्स में रिकॉर्डिंग करते वक्त पॉज भी कर सकते हैं उसे, और पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि आप फ्लैश ऑन कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग। कई फोन्स में मैंने देखा है कि आपको फ्लैश ऑन करने के लिए रिकॉर्डिंग ही स्टॉप करनी पड़ती है। डायनामिक रेंज, और एक क्लोज अप व्यू, तो आप देख सकते हैं कि कितना एरिया कैप्चर हो जाता है। ये पिक्चर हमने नॉर्मल मोड में क्लिक की है 12MP से, और ये है वाइड एंगल शॉट जो कि काफी बढ़िया आ गया है। आप देख सकते हैं ये हमने टावर की फोटो ली है, इसे हम फुल जूम करके देखते हैं कि कैसी पिक्चर आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पिक्चर क्लिक की जा सकती है। ये क्लोजअप शॉट हमने 12 मेगापिक्सल सेंसर से लिया है, और अगला क्लोजअप शॉट 48 मेगापिक्सल सेंसर से। आप जनरली डिफरेंस नहीं देख पाएंगे अनलेस आप क्रॉप इन करें। आप देख सकते हैं कि राइट पिक्चर में आपको फ्लावर बर्ड्स थोड़े से क्लियर दिख रहे हैं, ये बहुत ही सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है। तो आप मेगापिक्सल की दौड़ में मत जाइएगा क्योंकि आप हर फोटो को इतना क्रॉप इन करके नहीं देखेंगे। आइए कुछ और सैंपल्स भी देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, अनलेस यू जूम इन, आपको 48 MP की पिक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम 720p में बना रहे हैं और कोई एक्सटर्नल माइक नहीं यूज किया जा रहा। डायनेमिक रेंज चेक करते हुए, तो दोस्तों ये 1080p सैंपल है, इसमें आपको EIS की सुविधा मिलती है, OIS की सपोर्ट नहीं है। एक बारी डायनामिक रेंज चेक करते हैं। आप देख सकते हैं फोकसिंग में शुरू में एक आध बारी ये थोड़ा सा लैग करता है, बट अदरवाइज नहीं। आप देख सकते हैं अभी फोकस नहीं कर पाया। सो एक बारी फोकस होने लग जाता है तो फिर कोई इशू नहीं आता। थोड़ा सा मैं भाग कर दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये सैंपल हम 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ 1080p में आपको EIS की फैसिलिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट एडजस्ट होती है, कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी ओवर सैचुरेशन आपको नहीं महसूस होगी। अब एक बारी मैं इसको फुल जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डिटेल कैप्चर हो रही है। यहाँ तक पिक्चर स्टिल यूजेबल है, पर मैं अगर और जूम करूँगा तो ये ग्रेनी हो जा रहा है, और क्योंकि स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती तो आप देखते हैं पिक्चर कितनी शेकी है। ये पिक्चर नॉर्मल मोड से और ये वाइट एंगल से आप देख सकते हैं कि कलर रिप्रोडक्शन स्टिल बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम 720p में बना रहे हैं। हमने जितनी वीडियोस बनाई हमने सब हाई कंपैटिबिलिटी मोड में बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम सनलाइट में बैकग्राउंड में कैसे एक्सपोजर एडजस्ट होता है। चलते हैं अब 1080p सैंपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये फुटेज हम 1080p में बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें आपको बैकग्राउंड में एक अच्छा सा ब्लर बनता हुआ मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसे पैन करूंगा दूसरी तरफ और एक्सट्रीम सनलाइट में चलेंगे, और मैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला कि ब्लर बहुत अच्छा बन जाता है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। एक बार ये डायनामिक रेंज चेक करेंगे। डायनामिक रेंज के लिए आपको कहीं टैप करके सेटिंग करनी पड़ेगी और फोकस को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आपके फेस पे फोकस रखता है तो डायनामिक रेंज इतनी अच्छी नहीं कैप्चर होगी। उसके लिए जैसे मैं टैप करूंगा आप देखेंगे, ये देखिए ये एक्चुअल डायनामिक रेंज है। तो आपको वो स्वीट स्पॉट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि फिलहाल डायनामिक रेंज कैप्चर हो रही है लेकिन फोटो बहुत डार्क हो जा रही है। सो वो आपको एक बारी सेटिंग देखनी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये वीडियो 4K में हम बना रहे हैं। बहुत कम फ़ोन है विद इन 20K ब्रैकेट जो आपको 4K वीडियो फ्रंट कैमरा से सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट कुछ फ्लैगशिप फोन्स भी हैं जो आपको 4K नहीं देते। सो अगर आप व्लॉगर हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक बारी हम थोड़ा सा इसकी ट्रांजिशंस देखते हैं कि कैसे आती हैं। सो आई जस्ट वॉक अराउंड और आपको एक आइडिया लगेगा कि पिक्चर कितनी स्मूथ है। ये शॉट हमने 32 MP कैमरा सेंसर से लिया है और आप देख सकते हैं कि ये विदाउट HDR है। पीछे कलर्स वॉश्ड आउट हैं और बिल्डिंग भी क्लियरली नहीं दिख रही। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि HDR ऑन करने के बाद बैकग्राउंड में स्काई का कलर और बिल्डिंग्स कितनी क्लियरली नज़र आ रही हैं। सो HDR इज़ ग्रेट। ये पिक्चर हमने स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट के साथ क्लिक की है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर बहुत बढ़िया आई है। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड की सेपरेशन परफेक्ट है। यहाँ पे आप HDR मोड नहीं यूज़ कर सकेंगे। चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ जो कि हमने बोके इफेक्ट के साथ क्लिक की है। स्टिचिंग बहुत बढ़िया है और बोके इफेक्ट काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें मेरी आर्म के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों ब्लर आए हैं, जबकि मेरी आर्म प्रॉपरली फोकस में है। तो ये हमने एक डिफरेंट टाइप की पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी सो एज टू सी के बोके मोड इस सिचुएशन में कैसा काम करता है। सो इसने परफेक्टली काम किया जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। आइए देखते हैं स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो और कुछ एंटरटेनमेंट और फन वीडियोस जो आप वीवो Z1X से बना सकते हैं। वीडियो सैंपल इन 720p, कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया जा रहा, और ये वही जगह है जहाँ पे हमने ट्रक्स की कुछ और फोटोज़ भी खींची। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना लाइट अभी है, एज इन इट्स
क्वाइट लो लाइट, मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पैन करता हूँ और आप डिफरेंस देखिएगा, अभी पिक्चर बहुत ग्रेनी है बट जैसे जैसे अपर्चर 1.79 होने के कारण काफ़ी लाइट गैदर हो जाती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सैम्पल 1080p में हम हाई कंपेटिबिलिटी मोड में शूट कर रहे हैं और मैं लेफ्ट को पैन करूंगा। ये ग्रेनी डेफिनेटली है, अ लिटिल लेसर देन व्हाट 720p वाज, आप देख सकते हैं। अगेन कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया, आप उस ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट को देखिए, एग्जैक्टली वही कलर है। ये चीज़ व्यूवर में बहुत अच्छी है कि ये ओवर सैचुरेशन नहीं दिखाता। एक बार मैं टॉप की तरफ पैन करूंगा, डायनामिक रेंज भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्काई में आपको एक पैटर्न सा डायनामिक रेंज थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, हालांकि इट्स काइंड ऑफ क्लियर, बट अगर आप सेंटर में देखें तो देर इज़ सम बिट ऑफ ओवरलैपिंग एज इन कलर परस्पेक्टिव से। चलते हैं 4K सैम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स ये 4K सैम्पल है और यहाँ पे तो पिक्चर क्वालिटी एकदम ख़त्म टाइप्स है। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बैलेंस में भी इट्स काइंड ऑफ अ लिटल ऑन द रेड साइड, जैसे गुलाबीपन आ जाता है शेड में। आगे चलते हैं, यहाँ आपको ट्रांजिशनिंग थोड़ी स्मूथ मिलेगी क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है 30fps पे। कलर रिप्रोडक्शन बेहतरीन, आप देख सकते हैं। सो अगर थोड़ी सी लाइट मिल जाती है तो लो लाइट फोटोज बहुत अच्छी पिक कर लेता है क्योंकि अपर्चर वैल्यू 1.79 है। डायनेमिक रेंज फिर से तो ये कुछ पिक्चर्स हमने लो लाइट में, इनफैक्ट एक्सट्रीम लो लाइट विद नाइट मोड ऑन और फ्लैश के साथ क्लिक की हैं, तो आप फ़र्क देखिएगा दोस्तों। फ्लैश बहुत स्ट्रांग है, मैं एग्जांपल भी आपको आगे दिखाऊंगा। आइए देखते हैं नाइट मोड का इफेक्ट। ये पिक्चर हमने नॉर्मल मोड में ली है, आप लेफ्ट साइड में देखें तो लीव्स और रेलिंग वॉश्ड आउट है। ये पिक्चर हमने नाइट मोड ऑन करके ली है, कलर सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन एक्सट्रीम नहीं, और टेक्स्चर में फ़र्क देखिएगा। ये कंपैरिजन है और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। नाइटस्केप रियली वर्क्स वेरी गुड। ये पिक्चर हमने गणेश जी के लिए एक्सट्रीम डार्क में, ये नाइट मोड ऑन करके, और अब हम फ्लैश देखेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग है, उसका भी सैम्पल मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। अगर हम फ्लैश का सैंपल देखना चाहें तो फ्लैश लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सिंगल टोन है जो कि बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और सबसे बढ़िया बात है कि आप इसको वीडियो के दौरान ऑन या ऑफ कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली वीडियो स्टॉप नहीं करनी पड़ेगी। और जब ये पिक्चर के दौरान एज इन फोटोज़ के दौरान भी आप इसे यूज़ करते हैं तो इट फायर्स क्वाइट ड्रास्टिकली। सो फ्रेंड्स ये वीडियो 720p में, इट्स एग्जैक्टली दिस डार्क, इतने डार्क में ही मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक की हैं। मैं थोड़ा सा पैन करूँगा दूसरी तरफ सो दैट यू कुड सी कि किस तरीके से ये कलर पिक करता है, आप देख सकते हैं। 1080p सैम्पल, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला था रियर में बोके बनता हुआ, लेकिन हाँ इस वक्त इट्स क्वाइट लो लाइट, बट जब मैं थोड़ा सा डिफरेंटली मूव करता हूँ एज इन थोड़ी सी लाइट में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसे आए। सो फ्रेंड्स ये 4K वीडियो है, फिर से वही रूटीन आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड ओवरऑल, और आई थिंक ओवरऑल एक्सपोजर भी अच्छे से मैनेज कर लेता है फ़ोन, ऐसा नहीं कि एकदम ही ड्रास्टिकली लाइट इंक्रीज और डिक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स हेयर इज़ अ सेल्फी सैम्पल इन लो लाइट एंड विद फ्लैश ऑन। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश ऑन करके और बिना फ्लैश के। सो फ्रेंड्स ये वीडियो हम 1080p पे बना रहे हैं इंडोर लाइटिंग में, और एक्सटर्नल माइक का फिर से हमने यूज़ नहीं किया, जस्ट टू सी कि फ़ोन कैसी साउंड रिकॉर्ड करता है। अब मैं लाइट की तरफ पैन करूँगा टू सी कि ओवरऑल कैमरा क्वालिटी कैसी आती है और फोकसिंग में कोई इशू तो नहीं। मैं थोड़ा राइट को पैन करूँगा, कलर सैचुरेशन पर भी बात करेंगे,
आप देख सकते हैं कि इस तरफ कोई लाइट नहीं। यहाँ पे मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और गणेश जी की मूर्ति भी है। जो चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ ये है कि कलर सेचुरेशन थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, जबकि जो येलो प्लांट है वो डार्क येलो कलर में है और गणेश जी की मूर्ति पे भी जो कलर है वो थोड़े से गहरे हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि वो थोड़े लाइट आ रहे हैं। मैं अभी एक स्नैपशॉट भी लूँगा जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो होप आपको एक इंडोर क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया है, बट हाँ क्लैरिटी में कमी नहीं। अगर आप जस्ट फोकस करें तो आप देख सकते हैं, ये बुरा नहीं लग रहा दोस्तों, बट हाँ थोड़ा सा एक्चुअल से पहली बार देख रहा हूँ। जनरली फोन्स में कलर गहरे कर दिए जाते हैं, सैचुरेशन को बढ़ा दिया जाता है, पर यहाँ पे थोड़ी सी सैचुरेशन कम ही है। अब देखते हैं एक्चुअल पिक्चर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंडोर सैंपल्स हैं, ये बिना फ्लैश के आर्टिफिशियल लाइट में गणेश जी की पिक्चर फॉलोड बाय माई सेल्फ। अब आप देख सकते हैं इसमें अगेन हमने थम्स अप करके एक सेक्शन को अलग से हाईलाइट करने की कोशिश की है, ताकि हम देखें कि डिफरेंट पोजीशंस में ब्लर कैसे काम करता है। यहाँ पे बटन्स प्रॉपरली हाइड नहीं हुए अगर आप देखें, अदरवाइज आप पिक्चर देखें तो काफ़ी अच्छी आती है। ये अगेन एक बोके मोड में पिक्चर है, आप देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट कैसा है। इसमें भी ये अगेन स्टूडियो लाइटिंग के साथ, और आप देख सकते हैं कि रियर में जो भी था सब्जेक्ट के वो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगेन सम मोर स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि वीवो C1X में आप कुछ इस तरीके की पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ क्लोजअप शॉट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। ये बहुत डिफिकल्ट थे, अगर आप देखें ये जो आंट है या फिर चींटी है या चीटा कहूँ, इनकी पिक्चर्स क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये मूव करते रहते हैं, तो फिर भी आप पिक्चर देखिए कितनी बढ़िया क्लिक हो गई हैं। Vivo Z1X में आपको मिलता है FunTouch OS, जो कि एक हाईली कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड या फिर ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ पसंद करते हैं तो प्रॉब्ली यू मे नॉट लाइक इट, बट अगर आप कस्टमाइजेशन लाइक करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है। MIUI, ZenUI और FunTouch OS मैं प्रॉब्ली कस्टमाइजेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे मानता हूँ। जहाँ तक कलर OS है, आई थिंक उसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़रूरत है। अगर मैं बैक करूं तो इसमें बहुत ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, प्रॉब्ली हम इस वीडियो में सब नहीं कवर कर पाए, लेकिन कुछ ऑप्शंस मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्प्ले में जाएं, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो मैं हर Vivo Z1X को यूज़ करने वाले को बोलूँगा कि वो इसे ऑन करे, जो कि है लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकरिंग। अब देखिए मैं इसे ऑफ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि फ्लिकरिंग शुरू हो चुकी है। तो ये अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा अनलेस यू सी इन अ कैमरा। अब मैं इसे ऑन करूंगा और आप देखेंगे कि फ्लिकरिंग बंद, एंड इट कैन ड्रास्टिकली इम्पैक्ट योर आईज, सो इसको आप ऑन जरूर रखिएगा। इसके अलावा आपको और बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि आपको अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है। इसमें आप सेटअप कर सकते हैं कि कौन कौन सी गेम्स आपको ऐड करनी है, और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। कस्टमाइजेशन में आपको वॉलपेपर्स, थीम सब मिल जाता है। एक लर्निंग कर्व रहेगा ज़रूर अगर आप कुछ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे बेहद पसंद है वो ये है कि जो कमांड सेंटर है वो नीचे से ही ओपन हो जाता है, रादर देन, क्योंकि आजकल फ़ोन जो सारे आ रहे हैं वो 6 इंच से ज़्यादा हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट अनलेस यू मूव योर हैंड अप कि आप एक बार ये हाथ ऊपर करें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सीधा ऐसे करके कमांड सेंटर को ओपन कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मैं यही कहूँगा दोस्तों कि बुरा नहीं है, आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब चलते हैं हम कैमरा की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कैमरा इंटरफेस है। जहाँ तक कैमरा इंटरफेस की बात है, ये मुझे काफ़ी सॉर्टेड आउट लगा। हाउएवर नो वन इज़ परफेक्ट, इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आई थिंक वीवो को एड्रेस करनी चाहिए। पर बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं फ़ोन से और व्लॉगिंग भी करते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ वो लगी कि आप वीडियो बनाते दौरान फ्लैश को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार कुछ फ़ोन्स में मैंने देखा आपको अगर फ्लैश ऑन या ऑफ करने आपको वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। उसके अलावा आपको सभी ऑप्शंस नीचे ही दिए गए हैं, सो आपको यहाँ कोई पैनल नहीं है जैसे कलर OS में आपको हर बार क्लिक करके जाना पड़ेगा। आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट या राइट और उस मोड में जा सकते हैं। इसमें आपको फन वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, हमने इसका एक सैम्पल दिखाया है। AR स्टिकर्स हैं जिसका सैम्पल हमने ऑलरेडी एक बार दिखाया है। अगर मैं वीडियोज़ की तरफ चलूँ, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दी गई हैं। आप 4K में, 1080p और 720p में वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दो मोड दिए गए हैं, हायर कंपैटिबिलिटी, हायर एफिशिएंसी। फिलहाल मैं बात करूँगा
कि जहाँ तक ये दोनों मोड्स हैं देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ फाइल साइज. अगर आप देखें कि 4K वीडियो में 320 MB साइज़ यूज़ हो जाएगा एक मिनट की वीडियो के लिए, अगर आप यहाँ जाते हैं तो 160 MB का साइज़ यूज़ होगा. तो इट मीन्स वो डबल द साइज़ है. जो मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग लगा वो ये था कि इनकी डेफिनेशन दोनों की सेम है तो मुझे एक क्लैरिटी नहीं मिली. और सच बताऊँ दोस्तों, आप फ़र्क इतना नहीं देख पाएंगे. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या डिफरेंस आता है इनको यूज़ करने से. राइट, अगर आप देखें यह कहता है इन हायर एफिशिएंसी मोड H.265 कोडेक विल बी यूज्ड. अगर मैं आप फिर से यहाँ जाता हूँ, इन हायर एफिशिएंसी मोड H.265 कोडेक विल बी यूज्ड. सो ये स्टेटमेंट्स दोनों सेम है एंड आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वीवो गलती से ये दोनों तरफ सेम स्टेटमेंट डाल दिए हैं शायद, ये मुझे लगता है. मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि हर बार आप कुछ ऑप्शन चूज़ करते हैं ये कंट्रोल पैनल बंद हो जाता है. मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 1080p, ये बंद हो गया. अगर हम चलते हैं फ़ोटोज़ में, आपको अगर 48 MP कैमरा की ऑप्शन यूज़ करना है तो यू हैव टू गो इनटू सेटिंग्स अगेन और यहाँ पे आप 48 MP चूज़ करेंगे. अब जैसे कि मुझे चूज़ करना था, मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं 4:3 रेशियो में नहीं था यूज़ करते वक्त. अब आप देखिएगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करना है कि मुझे 48 MP नहीं चाहिए और मैं ये टाइम वाटर मार्क भी हटाना चाहता हूँ. अब आपको दिखेगा, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये पैनल बंद हो जाएगा, जो कि वहीं रहना चाहिए. सो इट्स अ लिटल अनोइंग. अदर देन दैट, आपको फ्रंट कैमरा में भी 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाती है दोस्तों. अगर आप देखें, लेट मी ट्राई टू शो दिस ऑप्शन आपको. जी हाँ दोस्तों, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जाएं वीडियो में, आपको यहाँ 4K 1080p 720p भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग आपको इस वक्त बहुत कम फ़ोन मुहैया कराते हैं इस प्राइस रेंज में. एक बारी हम चलते हैं फ़ोटोज़ में और फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं. सो फ्रंट कैमरा बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं. अगर यहाँ आपको AI ब्यूटी मोड चाहिए, आपको नाक चपटी, गोरापन, चिकनी चमड़ी सब कुछ यहाँ पर मिलेगा. उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ AR स्टिकर्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको AR स्टिकर्स मिलेंगे. सो ये मेरी बिटिया का फेवरेट है तो आई हैव टू यूज़ दैट एज वेल. सो आपको इस तरह की सब यू नो इंस्टाग्राम रेडी और फेसबुक रेडी और मस्ती और चीज़ें मिल जाएंगी. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कैमरास मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे. येस, नो वन इज़ परफेक्ट, सो हमने हाईलाइट किया है कहाँ कहाँ इन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये रिव्यू यहीं खत्म होता है. इस वीडियो में हमने हर चीज़ का आंसर देने की कोशिश की है, चाहे वो डिस्प्ले से रिलेटेड हो, चाहे बैटरी से, चाहे साउंड से, चाहे कैमरा परफॉर्मेंस या फिर फोन की परफॉर्मेंस इन इटसेल्फ एज एन प्रोसेसर परफॉर्मेंस. और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें हर छोटी छोटी चीज़ों पर टच बेस किया है, चाहे वो फ्लिकरिंग मोड हो, चाहे वो रैम मैनेजमेंट हो, चाहे चार्जिंग स्पीड हो, बैटरी ड्रेन हो, एटसेट्रा. इसी कारण ये वीडियो लंबी बनी है दोस्तों. और एक छोटा सा फीडबैक यही चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि हम ऐसे 10 पार्ट्स अलग अलग बनाएं या 6-7 पार्ट्स बनाएं और आपको सर्च करके ढूंढना पड़े कि भाई किस में रैम मैनेजमेंट है, किस में चार्जिंग टाइम है, या डेफिनेटली ये लेंथी वीडियो है, बट आई थिंक आपको इसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी. तो ये फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे. और अगर कुछ आप चाहते हैं कि हम इसमें ओमिट करें तो वो भी बताइएगा. अब अगर बात करें इस फोन की, फोन बहुत बढ़िया है दोस्तों. आपको चाहे कैमरा हो, चाहे बैटरी हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चार्जिंग स्पीड हो, आप निराश नहीं होंगे. अगर आप एक फोन देखना लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बाय कीजिए. जरूर इसमें हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चैलेंजेस हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता वो छोटी चीज़ें हमने बताई वीवो उसको इतनी जल्दी एड्रेस करेगा, क्योंकि ये यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आ जाती हैं. जी हाँ, फोकसिंग का जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, आई वोंट से प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमने 100 वीडियोस टेस्टिंग में बनाई या 50 बनाई तो उसमें 2 या 3 वीडियो में ऐसा देखने को मिला, वो भी हर बार नहीं. तो डेफिनेटली हम ट्वीट करेंगे वीवो को, ये एक छोटा सा इशू है जिसको उनको देखना चाहिए. अदरवाइज अगर आप बात करें तो आप परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे. बेस्ट थिंग, आपको फ्रंट में 4K मिलता है, रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में फर्स्ट इन क्लास है, खासकर रिवर्स चार्जिंग जो मुझे अभी हाल ही के फोनों में दिखा. हो सकता है पहले कोई फोन आया हो, लेकिन फिलहाल जो फोन लॉन्च हुए हैं उनमें अभी मिला है. इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं. कोई क्वेरी होगा तो जरूर पूछिएगा. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल. वीडियो शेयर कीजिएगा. मेरा नाम हर्ष होता है, आप देख रहे हैं फॉर लव गैजेट्स, यू आर द फ्यूचर. टेक केयर, जय हिंद.